कोरोना काल के बीच पलवल की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। मंडी में लोग बिना मास्क के घूमते दिखाई दिए। कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर रोक लग सके इसके लिए सरकार प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसी ही कुछ डरा देने वाली तस्वीरें पलवल की सब्जी मंडी में भी सामने आई। लोग नियमों को ताक पर रखकर सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनको ना तो कोरोना का डर है, ना ही सरकारी आदेशों का ध्यान। सब्जी मंडी में दिखाई दे रही ये भीड़ रात 12 बजे से सुबह करीब 7 बजे तक रोजाना देखने को मिलती है, जो वाकई डरा देने वाली है। लोग मंडी में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, ना ही मास्क लगाते हैं, जो कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने में कारगर साबित हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोगों की लापरवाही उन्हें मौत की तरफ ले जा सकती है, लेकिन लोगों को इसकी कोई परवाह ही नहीं। मैं मंदिर के लिए सब्जी खरीदने के लिए आया था, परंतु यहाँ करके देखा इतनी भीड़ है कि जाने का रास्ता नहीं, और जो हमें डिस्टेंस होना चाहिए था वो बिल्कुल भी डिस्टेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हालांकि मंडी में लोगों की भीड़ जमा ना हो इसके लिए पुलिस को भी तैनात किया गया, लेकिन तस्वीरों में देखकर लगता है कि लोगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है, जिसके कारण लोग एक दूसरे से सटक कर मंडी में घूम रहे हैं। लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन नहीं कर रहे हैं। 4 बजे से ड्यूटी पे हम लोग आते हैं, हमारी 7 आदमी की टीम है, साथ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बाहर से व्यापारी आते हैं और ये एक एक दो दो किलो लेने वाले आते हैं, इनकी वजह से यहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसको दूर करने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है। कोरोना को लेकर यदि लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो इसके आंकड़ों में इजाफा होना लाजमी है। जरूरत है लोगों को प्रशासन का साथ देने की, ताकि कोरोना को मात दी जा सके।